वाओ दैट्स सो क्यूट, ये पता नहीं किधर से आए हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अल्लाह ताला के करम से कामयाब होंगे। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तो बारिश हो रही है, मौसम फुल लाला है। आए आज आपको मैं अपनी रूटीन बताता हूँ, लेट्स गो। वो आज का व्लॉग जो है वो डेली रूटीन पर है, आपको मैं बताता हूँ। आज बारिश काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए जिम नहीं जा सका, तो अब मैं निकला हूँ शौक के लिए। पहले मैं जाऊँगा कब्रिस्तान, फिर जाऊँगा पुराने घर जहाँ गाड़ी पार्क करनी है, और फिर जाऊँगा मैं शॉप पे। लेकिन अब ये देखें, खैर वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो KFC आ रहा है शेखपुरा में इन फ्यूचर इंशाल्लाह। और ये है फैसलाबाद बाईपास, और इस तरफ हम अब इंटर हो रहे हैं सिटी की तरफ। जैसे कि ये माशाल्लाह हमारी ब्रांच है, तो ये अभी ओपन होगी 9:30 से 10:30 के बीच, क्योंकि मैं जाऊंगा तो ये इंशाल्लाह ओपन होगी। वैसे तो हमारे सिटी में काफ़ी ब्रांड्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी लाहौर की नस्बत कुछ भी नहीं है। कल मैं लाहौर गया था शॉपिंग करने, मेरे दोस्त ने शॉपिंग करनी थी, मैंने शॉपिंग की, और यकीन माने कि इधर कुछ भी नहीं उसके मुकाबले, लाहौर के मुकाबले। अलबत्ता खाने पीने की चीज़ें, फास्ट फूड में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, जो गारमेंट्स हैं या पहनने की चीज़ें हैं वो अभी काफ़ी कम। हाँ ये है कि डेवलप हो रहा है सिटी। ये है नेशनल फ्लोर में, और ये जो आप गली देख रहे हैं ये है रोशनपुरा। यहाँ हमारे जो हैं यानी कि दादा दाद का जिसको कहते हैं वो सारे इधर हैं, हम सिर्फ नहीं शिफ्ट हुए, हमारी जगह ज़रूर है यहाँ। तो इन फ्यूचर देखें क्या करते हैं हम, उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। और आगे ये अभी आ जाएगा बत्ती चौक, ये जी हमारे सिटी का बत्ती चौक। यहाँ से फिर शहर को, ये फैसलाबाद रोड है, और उस तरफ अगर चले जाएंगे यानी राइट में चला जाऊंगा तो गुजरांवाला की तरफ, यानी गुजरांवाला रोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने जाना है सिटी की तरफ, तो हम सिटी की तरफ ही जाएंगे। इस साइड पे अगर हम चले जाएंगे, दाता शाजमाल मज़ार है और कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बेसिक जो है ना, उसमें हमारे सारे वही जो ख़ानदान है उधर कब्रें हैं, और मेरे अब्बू जान और अम्मी जान भी उधर ही हैं, तो उधर चलते हैं। जी दाता शाजमाल का मज़ार शेखपुरा में काफ़ी फेमस है, ये है कब्रिस्तान। ये किला है शेखपुरा का, इसके मैं किसी दिन अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये शाही किला, ये है कब्रिस्तान, ये मेरे पूजान और अम्मी जान। अब तू आती है बुलाती है, फिर चलते बिस्तर से यूं गिराती है, ये सुन बाहों में बस तेरी। ये रोड है मशहूर है, रिगल सिनेमा होता था यहाँ, वो तो ख़त्म हो गया। अब मैं निकल चुका हूँ शॉप की तरफ, और ये है जंडियाला रोड इस साइड से, और ये है किला कला इमामबाड़ का वो सामने, और रोड चेक करें आप, सुभान अल्लाह का मस्जिद।
सामने है शॉप में भी, उधर जाके तो बैठना है मैंने सारा दिन। और रात को शॉप ओपन हो चुकी है, अभी देखते हैं उसके बाद लाइट्स वगैरह भी बंद है। काउंटर है जिधर मैंने बैठना है अभी, हाँ चम्मे इसको साफ करना है तो फिर बैठते हैं। कस्टमर कोई नहीं है, बैठे हैं शॉप पे। मेरा लैपटॉप जो है बाहर जा रहा स्नैन, और बारिश ज़्यादा हो रही है। फ्लेक्स इसलिए डाल रहा है कि पानी आ जाता है। एक्चुअली जिलाइश को लगी थी चोट, तो उसकी बैंडेज करवाने आए हैं ये, तो ये शॉप पे आ गए हैं। अब बच्चे शॉप पे आए थे, उनको फिर भाई ने कहा कि ड्रॉप तुम करो यार, ड्राइवर घर चला जाए, उसका टाइम काफ़ी हो गया था। तो फिर मेरी आजकल असल में ड्यूटी इस तरह लगी हुई है कि मैं स्टॉप ना उस दर का आउटलेट का वो उसका करवा रहे हैं समझ लें ऑर्डर, तो इसलिए मैं फिर अब आउटलेट पे आ जाऊंगा। तो मैं अब आउटलेट पे जा रहा हूँ। स्टॉप कर रहे थे ऑर्डर, तो भाई की कॉल आ गई कि यार हमें ले जो, हमने शॉप क्लोज कर दिया, तुम आउटलेट पे हो, गाड़ी उधर है। क्योंकि आपको बताया ना एवरी गया हुआ है वर्कशॉप, उसका थोड़ा काम होने वाला था, तो फिर मैं उनका ठीक है मैं आ जाता हूँ, मौसम चेक करें, मजे कर। ये क्लोज हो गई है जी शॉप, तो जी अगेन हम आ गए हैं आउटलेट पे, आउटलेट क्लोज करवाने के लिए। जब बारिशें बरसती हैं पागल जैसे तिरकती है, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। साफ हो चुका है सारा, अब हमने कंप्यूटर शट डाउन करना है और फिर इसको क्लोजिंग और कर को। वाओ दैट्स सो क्यूट, ये पता नहीं किधर से आए हैं मुझे नहीं पता। ले जी आउटलेट हेयर क्लोज हो चुका है, और अब बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी है, सुबह स्कूल जाना है उन्होंने, वो लेते हैं और ब्लॉग को इख्तिताम पजीर करते हैं इंशाल्लाह। लें जी बच्चों का सामान लेकर घर में एंटर हो चुके हैं, घर का कुछ काम अभी बाकी है जो हमने अभी करवाना है, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। कुछ इस तरफ काम हो चुका है और काफ़ी काम बाकी भी है। खैर अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवाब के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।